4 से 5 हज़ार रुपए हर दिन कमाओ। इन महिलाओं की तरह पेन पैकिंग करके घर बैठे पेन पैकिंग करना होगा, घर बैठे कंपनी आपको माल देगी, कंपनी का माल पैकिंग करके वापस करिए। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। और दोस्तों इस तरीके से आप 25 से 30 हज़ार रुपए महीने का कमा सकते हैं, इसमें किसी भी उम्र के लोग काम कर सकते हैं। कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, जल्दी जाइए, कॉल करिए, अप्लाई करिए, ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके कंपनी से काम लीजिए, घर बैठे बैठे पैसे कमा। तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज मैं कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई वेबसाइट या कोई ऐसा चीज के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो मैं आज ऐसा चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले पता नहीं होगा, और सुनिएगा तो आप भी हक्का बक्का रह जाइएगा, जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा। और बहुत ऐसा लोग है ये काम कर भी रहा है, और बहुत ऐसा लोग है जो यूज भी कर रहा है, और बहुत ऐसा लोग है जो अभी अप्लाई कर रहा है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे अप्लाई हो रहा है और कैसे हमें जॉब लेना है और क्या सही है और क्या गलत है। पूरी वीडियो देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस, एक कलम पेंसिल करके एक से कुछ कंपनी है जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा, जो एडसेंस चलाता है। एडसेंस चलाता है, वो उसका एड भी चलता है फेसबुक पे, बराबर उसका एड चलता है। और यूट्यूब पे काहे नहीं चलता है, उसका भी रीज़न बताऊँगा कि यूट्यूब पे उसका एड क्यों नहीं चलता है और क्यों फेसबुक पर उसका एड चलता है, इसके बारे में भी बताऊँगा। पूरी वीडियो देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि दरअसल गाइस, आपको जैसे ही आप अप्लाई करिएगा तो आपको व्हाट्सअप, जैसे कि व्हाट्सअप नंबर बन गया आपको कहेगा, और दूसरी बात उसमें जैसे ही आप व्हाट्सअप करके हाई लिख के भेजेगा तो उधर से देगा जो फोटो होगा, वीडियो होगा, जो कंपनी का फोटो होगा, वो सब आपको भेज देगा। मंदा कि ये काम है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, डब्बा पैकिंग। और जो पैकिंग करता है एक लेडीज भी आएगा, वो भी उसका भी वीडियो आपको भेज देगा, और उसके बाद भी बोलेगा कि बंदा ये काम है और ऐसे करना है। और उसके बाद जैसे आप बात करिए कि आप काम कैसे करना है, कैसे में माल आएगा, तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि एक आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो फेस का फोटो चाहिए, और दूसरी बात आधार कार्ड का, दोनों तरफ का फोटो चाहिए, बैग का और फ्रेंड का। एक शर्त और भी आपको बताएगा कि 620 रुपये आपको लगेगा अपने पॉकेट से आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो आईडी कार्ड जैसे ही आप बोलेगा 620 रुपये आपको लगेगा आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो बोलेगा कि 620 रुपये 600 रुपये आपको वॉलेट में रिटर्न आ जाएगा और 20 रुपये आपको कार्ड के लगेगा, जैसे वो बंदा ये बोलेगा। और कार्ड जैसे कार्ड के बाद क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ये भी बोलेगा कि बंदा एक दिन में आपको 300 माल दिया जाएगा, 300 जो 7000 का है, एक दिन में जो 300 माल आएगा जो 7000 का है। और दूसरी बात, जैसे ही आप उसमें प्रोटेक्शन देते हैं तो आपको उसका डबल दिया जाएगा, डबल 3 पर। और दूसरी बात एक चीज़ और बता दूँ कि आपको 20,000 रुपये एडवांस में बंदा दे रहा है। इसके ऊपर भी मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरे को भी बोला था कि आपको 20,000 रुपये एडवांस भी मिलेगा और 620 रुपये आपको कार्ड के बनवाना है, और फटाफट आप माल पैक कर दो और आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी सोचा अप्लाई करके देखता हूँ क्या रियल। तो दरअसल पता चला कि यार ये कंपनी तो इलीगल है ही नहीं है। आप लोग चौकन्ने नहीं होइएगा, ये कंपनी इलीगल है ही नहीं है, बिल्कुल तरीके से फ्रॉड है, जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा। जैसे ही आप 600 रुपया फंसाइएगा तो आपको दोबारा फ़ोन ही नहीं लगेगा, व्यस्त स्विच अप या किसी तरीके से उसका फ़ोन नहीं लगेगा। और दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि नटराज या उषा या बहुत ऐसा कंपनी है कागजी पेंसिल का, जिसका कोई ये धंधा है ही नहीं है, जैसे ये कर रहा है, जैसे कि कंपनी के नाम पे ये लोग फ्रॉड कर रहा है, और बहुत ऐसा लोग के साथ कर भी रहा है, और बहुत ऐसा लोग इसमें फंस भी चुके हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिएगा जो आपके साथ ऐसा भी हो सके और आपका पैसा भी फंस सकता है, दूसरा इसमें कोई रीज़न नहीं है। और दूसरी बात, साइबर अटैक इसको बोला जाता है, जो साइबर अटैक होता है इसको भी बोलता है साइबर अटैक। और दूसरी बात, जो आप पुलिस को भी कंप्लेन करिएगा तो इसमें पुलिस भी कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा, ये तो पहले ही आपको बता देगा, पुलिस भी आपको डांट के भगा देगा कि अगर आप पूरा इसके बारे में डिटेल क्यों नहीं पढ़े, जांच क्यों नहीं किए, चेक क्यों नहीं किए, आपके बारे में उल्टा पूछने लगेगा कि ऐसे क्यों कर दिया, आप खुद पहले आप जानकारी नहीं है तो ये सब नहीं करना चाहिए, आपको खुद डांटेगा पुलिस। दरअसल हेल्प करने की वजह आपको खुद डांट के भगा भी सकता है, तो इसलिए आप इस चक्कर में ना फंसे, और दूसरी बात ऐसे चीज़ों से बचे। और दूसरी बात, इसका भी धंधा है मगर इसका धंधा बिल्कुल रियल है, वो अलग है। पेन, कागजी, कलम, इसका भी पैकिंग होता है, कंपनी करवाता है, मगर उसका धंधा अलग है, वो पैसा 1 रुपया भी नहीं लेता है कार्ड का, मगर ये कार्ड का पैसा बंदा ले रहा है। जैसे कि कंपनी है, एक रियल है और एक फेक है।
तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप इसके इसमें अगर कमेंट करते हैं या आप लोग इसमें सहमति है तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, नहीं तो आने का कोई उम्मीद।